सभी लोगों को सर्वाइवल गेम्स खेलना काफी अच्छा लगता है क्योंकि वहां पर जान का खतरा हर पल मंडराता रहता है। इसीलिए मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक नहीं पांच नहीं बल्कि 10 ब्रांड न्यू सर्वाइवल गेम्स जिनके अंदर आप लोगों को अच्छी ग्राफिक्स मिल जाएगी और बेटर स्टोरी लाइन देखने के लिए मिलेगी। तो किस चीज का वेट कर रहे हो, देखो वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कर दीजिएगा लाइक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस पूरी की पूरी वीडियो में सारे के सारे गेम्स रैंडमली प्लेस्ड है, यानी कि आप लोगों को शुरुआत से लेकर के अंत तक वीडियो में तगड़े गेम्स देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ में अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो बोनस गेम भी पता लगेंगे और इस वीडियो के सभी गेम्स के डाउनलोड लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इसी बात पर बाहर वीडियो करते स्टार्ट एंड बात करते हैं फर्स्ट गेम की जो कि है नन अदर देन प्रोजेक्ट आइलैंड। भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो चुकी है और हमारी इस दुनिया को समुद्र ने अपनी चपेट में ले लिया है। बाकी कुछ रह गया है तो सिर्फ छोटे छोटे आइलैंड्स के टुकड़े और अब हम लोगों को वहीं पर सरवाइव करना होगा। जी हाँ, मैं मानता हूँ कहानी सुनने में डरावनी है लेकिन हम लोगों को हार नहीं माननी है, करनी होगी एक नई शुरुआत। दोबारा से लकड़ी और पत्थर लेकर के आएंगे और स्टोन एज से शुरुआत करेंगे। जी हाँ, अपने रहने के लिए एक रैन बसेरा बनाएंगे, क्राफ्ट करेंगे, टूल्स को गैदर करेंगे, खाने के आइटम्स और पूरी कोशिश करेंगे इस दुनिया में जिंदा रहने की। गेम की ग्राफिक्स अच्छी है और रही बात साइज की तो वो है 1 GB और गेम ऑनलाइन है। और इसी बात पे चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं हमारे सेकंड गेम की जो की है डेड वेस्टलैंड सर्वाइवल। अभी तो शुरुआत है मेरे भाइयों, आगे आगे देखना कितने तगड़े सर्वाइवल गेम्स आने बाकी हैं। जैसे इस गेम को ही ले लीजिए, अगर आप लोगों को लगा कि पिछले गेम की कहानी दुखद है तो भाई यहाँ तो न्यूक्लियर एनिहिलेशन हो चुका है। नहीं समझे, चारों तरफ परमाणु हथियार फट चुके हैं, हमारी ये दुनिया बंजर हो चुकी है और यहाँ जीना काफी मुश्किल है क्योंकि हर मोड़ पर हमें सामना करने के लिए मिल जाता है ज़ॉम्बीज का, वोल्व्स का, म्यूटेंट्स का, रोबोट्स का और पता नहीं कैसे कैसे क्रिएचर्स का। इस गेम के डेवलपर्स ने खुद बोला है कि वो इंस्पायर्ड है मेट्रो एक्सोडस, स्टॉक और मैड मैक्स या फिर फॉलोआउट जैसे क्लासिक गेम से। सो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि आगे कैसे कैसे चैलेंजेस हमारा इंतजार करने वाले हैं। रही बात गेम के साइज की तो वो है 200 MB, गेम ऑफलाइन है और यहाँ आप लोगों को कंट्रोलर का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और अब बारी आ चुकी है हमारे थर्ड गेम की जो की है लास्ट आउटलैंडर। ये गेम थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर आप लोगों को फैंटेसी सर्वाइवल रोल प्लेइंग एक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी ये फैंटेसी से भरी हुई दुनिया जहाँ आप लोगों को मैजिक देखने के लिए मिल जाता है और मॉडर्न डे वेपन्स भी बनाने के लिए मिलती है। और अगर मेरे भाइयों आप लोगों ने इस गेम को एक सिंपल गेम समझ लिया है तो आप बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का सामना होगा बड़े बड़े राक्षसों और दानवों से और पीसी गेम्स की ही तरह सिनेमैटिक कटसीन्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही हर सर्वाइवल गेम की बेसिक चीजें लाइक सर्वाइव, क्राफ्ट, एक्सप्लोर एंड बिल्ड तो मिलेगा ही, साथ ही में अच्छी ग्राफिक्स होंगी। एक स्टोरी एलिमेंट पर भी फोकस किया गया है और रही बात गेम के साइज की तो वो है 1 GB, गेम ऑनलाइन है। आइए चलिए अब मैं आप लोगों को एक एडवेंचर पर लेकर के चलता हूँ हमारे फोर्थ गेम के साथ जो की है एब्सोल्यूट टैलेंट सर्वाइवल। अब यहाँ हम लोग को सर्वाइव करना होगा एक मिस्ट्री आइलैंड पर जो कि भरा हुआ है विभिन्न विभिन्न प्रकार के सारे ट्राइब्स के लोगों से। और ये कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, यहाँ पर आप लोग चलाएंगे शानदार वेपन्स, शॉटगन राइफल्स और मैजिक भी करेंगे, यानी कि इस गेम के अंदर आप लोग को वो लगभग सारी चीजें मिल जाएंगी जो की आप एक सर्वाइवल गेम से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे की अच्छी ग्राफिक्स, हर पल जान पे खतरा, क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग मैकेनिक्स, यहाँ पर फार्मिंग भी करते हैं, मछलियाँ भी पकड़ करके लाते हैं और अपने रहने के लिए एक शेल्टर भी तैयार करेंगे। रही बात गेम के साइज की तो वो है 600 MB और ये एक ऑफलाइन गेम है। और ये लीजिए हम लोग आ पहुंचे वीडियो के मिडल में, यानी कि फिफ्थ गेम जो कि है टीटीनी ऑनलाइन। क्या आप लोग भूल तो नहीं गए हैं उस शानदार MMORPG गेम को? अगर नहीं तो चलिए बात करते हैं टीटीनी ऑनलाइन की। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही डिटेल्ड कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है, एक वास्ट ओपन वर्ल्ड मैप मिलता है, पीसी गेम्स की तरह शानदार सिनेमैटिक कटसीन्स और पता नहीं कितनी सारी बॉस बैटल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही सूदिंग एंड कॉलिंग एनवायरमेंट मिलता है जहाँ बहुत ही प्यारे विजुअल्स है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप लोग शिकार पर भी जाएंगे, हर तरह का कॉम्बैट कर पाएंगे। और रही बात गेम के साइज की तो वो है 3 GB क्योंकि आप लोगों को पूरे का पूरा बड़ा वर्ल्ड और रियल टाइम इंटरेक्शन मिल जाएगा, इसी वजह से गेम ऑनलाइन है। और जब ऑनलाइन सर्वाइवल की चर्चा हो रही है तो चलिए मिलते हैं हमारे सिक्स्थ गेम से जो की है वाइलैंड्स। ये एक ऐसा गेम है जहाँ आप लोगों को ढेरों गेम्स देखने के लिए मिल जाते हैं, इनफैक्ट आप लोग अपना खुद का सर्वाइवल गेम भी बना सकते हो या फिर दूसरे के बनाए गए हजारों गेम्स में से कोई भी एक गेम प्ले करो। डिफरेंट डिफरेंट गेम मोड्स मिल जाएंगे
मिलेंगे, अच्छी ग्राफिक्स मिलेंगी और गेम का साइज है 1.3 GB। और अगर ऑनलाइन नहीं कुछ ऑफलाइन चाहिए तो चले मिलते हैं हमारे सेवन गेम से जो कि है डेड काइंड। क्या आप लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा है कि इसको एक इंडिविजुअल डेवलपर ने बनाया है? जी हाँ, ये एक फैन मेड गेम है जिसका साइज है 500 MB, गेम ऑफलाइन है और गेम की ग्राफिक्स की तो क्या ही कहने। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को हर प्रकार की वेपन्स देखने के लिए मिल जाएंगी जिनकी मदद से आप लोग सामना करेंगे ज़ॉम्बीज के होर्ड्स का। जी हाँ, ढेर सारे ज़ॉम्बीज आने वाले हैं अलग अलग वैरायटीज के और उनसे लड़ाई करके हमें अपने आप को सर्वाइव कराना है। और अगर आप लोगों को कुछ वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल वाला माल चाहिए तो मिलाता हूँ हमारे 8th गेम से जो की है डॉन लैंड्स या फिर न्यू डॉन। अब भाइयों, इस गेम के तो यार क्या ही कह रहे हैं, यहाँ आप लोगों को सारी की सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी जो भी आप एक तगड़े सर्वाइवल गेम से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे एक्सप्लोर, सर्वाइव, क्राफ्ट एंड बिल्ड। इनफैक्ट डेली चैलेंजेस भी आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं और गेम की ग्राफिक्स बहुत ही ऑसम है। गेम का साइज है 1 GB, गेम ऑनलाइन है, यहाँ पर आप लोग जानवरों का शिकार भी कर सकते हैं, उन्हें टेम भी कर सकते हैं, घोड़ सवारियां देखने के लिए मिल जाएंगी और खतरनाक क्रिएचर्स से फाइट करने के लिए भी मिलेगी। और हमारा सेकंड लास्ट गेम है अरीडास बैकलैंड्स अवेकनिंग। ये गेम पुराने आए गेम्स की तरह नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ, जिंदगी पर सर्वाइवल का खतरा हर पल मंडरा तो रहेगा, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे एडवेंचर पर जाएंगे जहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन हम फिर भी अपनी तलाश को जारी रखेंगे। यहाँ आप लोगों को 19th सेंचुरी का ब्राजील देखने के लिए मिल जाएगा। गेम का जो आर्ट स्टाइल है वो काफी डिफरेंट है और विजुअल्स बहुत ही प्यारे हैं। गेम का साइज है 330 MB, ऊपर से गेम ऑफलाइन भी है। मैं आप लोगों को इस गेम को पर्सनली रिकमेंड करूंगा, जाइए ट्राई कीजिए। सारे के सारे गेम्स की डाउनलोड लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और लास्ट गेम की बात करने से पहले जरा बात करते हैं ऑनरेबल मेंशंस की, यानी कि वो गेम्स जो अच्छे तो है लेकिन लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए, जैसे कि द लास्ट डेज। ये गेम आप लोगों को लास्ट ऑफ अस की याद दिला देगा, यहाँ पर आप लोगों को उसी तरीके का आर्ट स्टाइल और वैसी ही स्टोरी देखने के लिए मिल जाएगी। और तो और, इस गेम की खासियत है कि आप इस पूरे के पूरे गेम को सिंगल टच से प्ले कर सकते हो। गेम की ग्राफिक्स अच्छी है और दोनों ही गेम्स का साइज ऑलमोस्ट 220 MB के आसपास का है और दोनों के दोनों गेम्स ऑफलाइन है। और इसी में दूसरा गेम है लास्ट मैवरिक राफ्ट। जैसे कि गेम के नाम से ही पता लग गया होगा कि यहाँ पर हमें ओशियन के अंदर सर्वाइव करना होगा। उसके लिए हम लोग एक राफ्ट को तैयार करेंगे, शार्क्स वगैरह को हंट करेंगे। इस गेम के भी विजुअल्स अच्छे हैं और साइज वगैरह तो पहले ही बता दिया है। एंड एट लास्ट, चलिए बात करते हैं वीडियो के 10th गेम की जो की है प्रोजेक्ट ईवो। ये एक अपकमिंग सर्वाइवल गेम है जिसके बीच बीच में हम लोगों को बीटा वर्जन्स खेलने के लिए मिल जाते हैं। मैं जान रहा हूँ कि हम सभी को इंतजार है कि कब ये फाइनल वर्जन रिलीज हो और हम इस गेम को इत्मीनान से बैठ करके खेल पाए, क्योंकि यार गेम ही इतना अच्छा है। इस गेम को बनाया गया है अनरियल इंजन 5 के ऊपर, यानी कि ग्राफिक्स की तरफ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। गेम का साइज है 2.3 GB, गेम ऑनलाइन है और सर्वाइवल गेम्स के सारे एलिमेंट्स यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। आप लोग अपना शेल्टर यानी कि एक आलीशान घर तैयार करते हैं, रात को खतरनाक क्रिएचर्स का सामना करते हैं और खाने की तलाश में हंटिंग करने के लिए जाते हैं। सो मेरे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ऐसा है तो फटाफट से कर दीजिएगा एक लाइक। एंड मैं ये बात जान रहा हूँ कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से आप लोगों को आज बेटर ऑडियो क्वालिटी देखने के लिए नहीं मिली, इस बात पे हम आपसे क्षमा प्रार्थी करते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन भविष्य में बहुत ही जल्द बस गला ठीक हो जाएगा एंड फिर आप लोग को तगड़ी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए प्रोटेक्ट। मिलूंगा एक बार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।